हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं, बहुत ही एक स्ट्रांग पोजीशन वाला स्टॉक है और ये कंपनी जो है आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है और अभी ये जो कंपनी है पावर सेक्टर में भी अपना लक आजमा रही है और इसी के साथ साथ नए नए कंपनियों का यहाँ पे एक्विजिशन कर रही है कंपनी। और आने वाले वक्त में इस कंपनी का बहुत ही बड़ा बोलबाला होने वाला है और TCS जैसे बड़े बड़े कंपनियों को ये कंपनी टक्कर देती हुई नज़र आ सकती है हमें। TCS और इसी के साथ साथ ट्राइडेंट जैसे कंपनियों को भी ये कंपनी जो है टक्कर देती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये कंपनी का जो वैल्यूएशन निकल के आ रहा है और इसी के साथ साथ जो सेगमेंट्स निकल के आ रहे हैं जिसके अंदर ये कंपनी प्रॉपर वर्क कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है फ्रेंड्स। अगर आप इस शेयर में अभी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस में बहुत ही बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अगर हम उसकी बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो 74.50% का था और अभी यहाँ पे 71.20% का निकल के आ रहा है। कंपनी ने ये जो बीच के वक्त में अपनी हिस्सेदारी कम की हुई है, पहले कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर में काम करती थी और आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती थी, लेकिन अभी ये जो कंपनी है ये अपने आप को फैला रही है, एक्सपांड कर रही है और इसी के साथ साथ ये जो है आप यहाँ पे अभी जो है टरबाइन एनर्जी, विंड एनर्जी और इसी के साथ साथ सोलर एनर्जी, इन सभी सेगमेंट में अपना लक आजमा रही है। तो जिसकी वजह से इनको पैसों की ज़रूरत है थी तो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग, 2 से 3% की होल्डिंग यहाँ पे अपनी सेल करके वो पैसों से यहाँ पे जो है नई नई कंपनियों में एक्विजिशन किया हुआ है, अपनी हिस्सेदारी ली हुई है और अपने यहाँ जो बिज़नेस है उनको नए से बनाया हुआ है एक्सपांड करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉरेनर्स पहले इसमें एक्टिव थे लेकिन अभी कोई भी नहीं है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो 0.01% से यहाँ पे हैं और यहाँ पे पब्लिक का पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 28.80% की होल्डिंग है। अगर आप इस शेयर में अभी पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत ही सही चांस है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप शेयर मार्केट के साथ साथ यूट्यूब और फेसबुक से भी पैसे कमाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से पेड मोनेटाइजेशन सर्विस ले सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक की, जिसके अंदर आपको बहुत ही कम प्राइजेस में सब्सक्राइबर, वॉच टाइम और व्यूज़ मिलेंगे जो आपको आपका चैनल ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कंपनी के नाम के बारे में जानते हैं और इसी के साथ साथ देखेंगे कि कंपनी कैसी है और कैसे परफॉर्म कर सकती है फ्यूचर में। कंपनी का नाम आपको वीडियो के मिडल में कभी भी पता चल जाएगा तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिना करे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कंपनी जो है गवर्नमेंट के लिए भी ई प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना, डेवलप करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी मीडिया ट्रेनिंग और इसी के साथ साथ लर्निंग सॉल्यूशन, विंड पावर जनरेशन और ऐसे बहुत सारे कंपनी सेगमेंट में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का नाम है कंप्यूकम सॉफ्टवेयर लिमिटेड और ये कंपनी जो है आने वाले वक्त में बहुत ही बड़ा रिटर्न हमें यहाँ से दे सकती है, क्योंकि ये कंपनी का बहुत बड़ा लेवल पे यह कंपनी काम करने जा रही है। यूएसए में इसका से रेवेन्यू आता है 8% का, इंडिया से सॉरी यहाँ पे ये कंपनी कमाती है 8% का और बाकी का जो रेवेन्यू आता है वो यूएसए और अदर फॉरेन कंट्रीज से आता है। और इसी के साथ साथ इसके कंपनी के अंडर काम करने वाले जन टीवी और जन टीवी प्लस, ये दो न्यूज़ चैनल भी हैं जो यहाँ पे एजुकेशन, फाइनेंस और सोशल, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, इन सभी के बारे में न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। होटल कनेक्शंस में भी ये कंपनी जो है काम करती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 142 करोड़ रुपीज़ का है। करंट मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो 18 रुपीज़ का है, 52 वीक हाई 33 रुपीज़ का, 52 वीक लो 15 रुपीज़ का और 52 वीक लो के आसपास ही ये शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 71% की है, डेप्थ कंपनी के ऊपर ना के बराबर है 4.24 करोड़ रुपीज़ का और बुक वैल्यू इसकी जो है 17 रुपीज़ की और बुक वैल्यू से काफ़ी नज़दीकी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। शेयर इतना छोटा है, मार्केट कैप इतना छोटा है, फिर भी कंपनी जो है यहाँ पे डिविडेंड देती हुई नज़र आ रही है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपीज़ की है और यहाँ पे हम देख सकते हैं डेप्थ कंपनी के ऊपर 0.03% का, यानी कंपनी जब चाहे तो अपने आपको डेप्थ फ्री कर सकती है, पूरी तरह से डेप्थ फ्री कंपनी है। रिजर्व कंपनी के पास शानदार है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो 121 करोड़ रुपीज़ का एक शानदार रिजर्व निकल के आ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, तो सब के सब यहाँ पे जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो शानदार हैं, पॉजिटिव हैं, कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेज नहीं है। इंडस्ट्री पी की अगर हम बात करेंगे तो इंडस्ट्री पी जो है इसकी ऑलमोस्ट 20% की इंडस्ट्री पी निकल के आ रही है। तो आने वाले वक्त में भी ये कंपनी जो है तहलका मचा सकती है अगर आप ये शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। तो यहाँ पे अगर हम नीचे आएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं इसका प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और यहाँ पे बुक वैल्यू से का मतलब नज़दीक ही ट्रेड कर रही है। अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्टेड था, अच्छा क्वार्टर आ भी चुका है, आएगा भी मतलब कुछ वक्त में जो थर्ड क्वार्टर रहेगा। और CAGR भी इसका 5 ईयर्स का बेहतरीन है, डिविडेंड भी 2.33% का यहाँ पे डिविडेंड मेंटेन कर रही है कंपनी। और इसी के साथ साथ
अगर हम इसके कॉन्स की बात करेंगे तो इसके 5 सालों में सेल्स कुछ खास नहीं हुई है, थोड़ा सा कम हुई है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे पिछले 3 सालों में थोड़ा सा डिक्रीज़ हुई है, और वही सब मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह वगैरह। और अगर इसके कंपटीशन की बात करेंगे तो NII और एपटेक, जी लर्न, इनके सभी के साथ ये कंपनी जो है यहाँ पे टक्कर देती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनी में कुछ तो बात है तभी तो मतलब इन सभी को टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। तो हमें भी ऐसे ही शेयर में जो है अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे, आपको यहाँ से जो है बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो आप हमें देख सकते हैं कि क्या शानदार नंबर निकल के आ रहे हैं। हर क्वार्टर में अपना सेल जो है कंपनी ने थोड़ा थोड़ा करते हुए बढ़ाया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। OPM यहाँ पे 16% का निकल के आ रहा है, जो बहुत ही शानदार माना जाता है। और अगर हम यहाँ पे नीचे आएंगे, इसका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, तो वो भी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है। और इसी के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी कंपनी ने जो है कमाल कर दिया हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पे जो है इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कंपनी के पास बहुत ही बेहतरीन शानदार यहाँ पे जो है रिजर्व मौजूद है। कंपनी जब चाहे तो अपने आप को डेट फ्री करके नए नए कंपनियों का एक्विजिशन भी कर सकती है, और इसी के साथ साथ नए नए कंपनियों में और अदर सेक्टर की कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके एक्स्ट्रा इनकम भी वहाँ से कमा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।